हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट के डे पे। तो देखिए, एकदम मार्केट जैसे आप आलू टिक्किया घर पे बना के तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या लेना है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आलू लिए, तो 6-7 आलू ले लिए। आलू को पहले से बॉईल करके और इसके ऊपर से छिलके हटा दिए, और कम से कम इसको 4-5 घंटे आपको ठंडा कर लेना है। मैंने 4-5 घंटे ठंडा किया हुआ आलू लिए, आपको जितना टाइम है उस हिसाब से आप ले सकते। इसमें सबसे पहले डाल दिया पुदीना। तो पुदीने का इसके अंदर देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास सूखा पुदीना था, हरा नहीं था। हरा पुदीना तो आप हरा भी डाल सकते। फिर डाल दिया मैंने इसके अंदर धनिया, हरा धनिया, और इसके अंदर डाल दिया 2 हरी मिर्च को मैंने जोक करके कट करके डाल दिए। अब इसके अंदर डाल देते हूँ चिली फ्लेक्स, जैसे थोड़ी मोटी दरदरी मिर्च कुटी हुई होती है वो मिर्च इसके अंदर डाल दिया। तो चिली फ्लेक्स इसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया, और इसके अंदर डाल दिया नमक। तो नमक देखिए स्वाद के हिसाब से डालिए, मैंने आधी चम्मच डाली है काला नमक, सिंधा नमक, और आधी चम्मच डाले नॉर्मल नमक। तो ये नमक आप जैसे आप सिंधा भी साथ में डाल सकते हैं, सिंधा नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और ये सारा मसाला डाल के अच्छे से आलू को मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से आलू को देखिए मैंने हाथों से इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, 3 चम्मच चावल का आटा। तो चावल का आटा देखिए घर पे मैंने पीस की तैयारी किया है। पहले चावल को धो के और उसको पीस के महीन आटा बना के तैयारी कर लिया। हल्का सा मोटा जैसे दरदरा आटा होता है तब भी इसके अंदर चलेगा। तो ऐसे आप एक बार आलू टिक्किया बना के देखिए, बहुत ही अच्छी बहुत टेस्टी, जैसे आप मार्केट से खा के आते हो उनसे कई गुना अच्छी ये टिक्किया बना के आप घर पे तैयारी कर सकते हो, और बहुत ही कम समय में। तो ये आटा लगा के तैयारी कर लिया, और अब 10 मिनट इस आटे को सेट होने के लिए रख दिया। 10 मिनट बाद में देखिए अब इसकी टिक्किया बना लेते हैं। तो टिक्किया जैसे आपको छोटी या बड़ी आप घर पे टिक्किया बना रहे हो तो जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप टिक्किया बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आटा लेके और हल्का सा हाथ चिकना करके इसको कर लिया एकदम गोल, और अब एक हल्की सी दबा के थोड़ी सी चिपटी कर देते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सारी टिक्किया बना के तैयारी कर लेती हूँ। और जैसे 4-5 घंटे पहले आलू को बॉईल करके रख दिया उबाल की, तो पानी से आपको निकाल के रख देना है, आलू को पानी के अंदर नहीं छोड़ना है। तो जब ये आलू देखिए अपने आप में थोड़ा टाइट हो जाता है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं गया। तो 3 चम्मच चावल का आटा लगा 7 आलू के अंदर, और आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए आप एक बार ऐसे मेरे कहने से आप आलू टिक्किया बना के देखिए, और इतने आलू के अंदर देखिए 10-12-13 टिक्किया बन के तैयारी हो गई। तो आप टिक्किया छोटी या बड़ी बनाते हो उस हिसाब से आप थोड़ी कम ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो ये ले लिया मैंने एक फ्राई पैन के अंदर तेल। तो तेल देखिए कितना डाला है, बहुत कम डाला है। मैं तेल के अंदर फ्राई नहीं कर रही हूँ, मान लो डीप फ्राई कर रही हूँ, तो बहुत कम भी तेल नहीं बता रही हूँ मैं आपको। मैं इसके अंदर आधे इंच के हिसाब से तेल डाला है। तो ये देखिए मैं आपको ये टिक्किया डाल रही हूँ, तो आप देख लीजिए कितना इस हिसाब से मैंने तेल डाला है। अब इसमें एक बार मैं जितनी टिक्किया है उतनी टिक्किया इसके अंदर डाल देती हूँ, और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है, लो या मीडियम फ्लेम पे आपको गैस को रखना है। तेज़ आंच पे आप टिक्किया बनाओगे तो क्या होगा कि ऊपर से टिक्किया जल जाएगी और अंदर से ये टिक्किया एकदम क्रिस्पी नहीं बनेगी। आपको एकदम मार्केट जैसी टिक्किया बनानी है, एकदम क्रिस्पी टिक्किया बनानी है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर आपको गैस के फ्लेम को लो रखना है, और लो फ्लेम पे जितनी टिक्किया है उतनी एक बार में टिक्किया डाल दीजिए। और जैसे एक बार एक साइड में से ये देखिए इसका कलर देखिए एकदम सुनहरा कलर आ गया, नीचे से जैसे कलर आ जाता है पता चल जाता है साइड में से। तो जैसे इसका सुनहरा कलर आ जाता है, जब कोई भी आप स्पून की सहायता से आप इसको पलट सकते हैं। तो एक एक करके मैं टिक्किया को पलट देती हूँ, और पलट के दूसरी साइड से फिर से इसको 4-5 मिनट फिर से इसको पका लेती हूँ। तो लगभग एक बार की टिक्किया बनने में 6-7 मिनट लग जाती है, पर टिक्किया बहुत ही अच्छी और बहुत ही कुरकुरी बनती है। आप एक बार ऐसे टिक्किया बनाइए, और इसके टिक्किया के साथ आप जैसे चाट के साथ खा सकते हैं, छोला के साथ खा सकते हैं, या आप मटर बना के ग्रेवी बना के आप खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से खा सकते हैं। तो टिक्किया के साथ आप जैसे इमली की चटनी या छोला बनाना, वो भी आपको रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने पहले से टिक्किया की रेसिपी डाल रखी है और उसके साथ मैंने छोला भी बनाया है, तो वो भी मैं लिंक डाल देती हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं।
तो ये देखिए कितनी अच्छी टिकिया बन गई है एक बार की। और दूसरी टिकिया मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारी टिकिया बना के तैयारी कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो देखिए आप कोई भी आप फॉइल पेपर के ऊपर भी आप डाल सकते हैं। तो वैसे भी इस प्लेट के अंदर इसको डाला है और बहुत ही क्रिस्पी टिकिया बनी है। तो चलिए अब टिकिया को डाल लेते हैं एक कटोरी के अंदर, खाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आपको ज़रा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जब भी वीडियो डालते हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी आपके पास। और ये देखिए मैं आपको बता दिया कि टिकिया बन की तैयारी हुई है। इसके ऊपर डाल दिया मैं छोले और ऊपर डाल देती हूँ इमली की चटनी। तो इमली की चटनी का भी मैं वीडियो डाल रखा है, उसको भी आपको देखना है तो मैं लिंक डाल देती हूँ। और छोला की भी मैं डाल रखा है, जैसे आलू टिकिया के साथ छोला खाना वो भी मैं डाल रखा है। तो वो आप मैं पहले से आलू टिकिया की और छोले की वीडियो डाल रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डाल देती हूँ। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी आलू और खाइए और इन्जॉय कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।